हम बात कर रहे हैं MMTC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं स्टॉक ने क्लोजिंग तो दिखाई लेकिन 100 के आसपास ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली। 100 के आसपास बड़ी गिरावट, बड़ी सेलिंग नहीं आई है 100 के आसपास से। तो वैसी कंडीशन में यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा सकता है, 100 के लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमको थोड़ा सा इंतज़ार करके चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि चार्ट पैटर्न हम देख सकते हैं लो और लो देखने के लिए मिला था। लेकिन इस दफ़ा जब जम के बाद गिरावट आई है तो आपने लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100 के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। अगर रिजेक्शन के साथ इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता तो वैसे कंडीशन में फिर और गिरावट दिखाता, फिर नीचे की ओर 90 का लेवल इसके लिए मेजर सपोर्ट होता। तो आप अगर गिरावट आती है तो इमीडिएट सपोर्ट जहां इससे पहले सपोर्ट लिया था 95-96 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 90 का लेवल रहेगा। अब देख सकते हैं स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा है 100 के आसपास। जंप आया, गिरावट है, 100 का लेवल ब्रेक डाउन ज़रूर हुआ लेकिन उसी के आसपास हमको क्लोजिंग दिखाया। 9800 का लेवल इसका इमीडिएट सपोर्ट है, 9800 का लेवल, इसी के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है तो ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बने हुए हैं। नज़रें रहेगी 100 के ही लेवल पर। जैसे ही 100 का लेवल ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 103 का लेवल, और इसके ब्रेकआउट के बाद 107 से लेके 110 तक का जंप फिर MMTC दिखा सकता है। यहाँ तक के टारगेट फिर हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।